हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज के इस वीडियो में हम लोग मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिसेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है स्पैन ऑफ कंट्रोल। ये बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के अंडर में आता है। हम लोगों ने ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के प्रीवियस वीडियोज़ में ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग, उसके स्टेप्स, उसके इंपॉर्टेंस सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। अगर आपने अभी तक हमारे वो वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले वो वीडियोज़ देखिए, देन आप इस वाले वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग विद द टॉपिक स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि एक सबॉर्डिनेट एक टाइम पर कितने लोगों को इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है, उसको हम कहते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक स्कूल का एग्जाम्पल लूँ तो एक क्लास में उतने ही बच्चे होते हैं जितनी टीचर के संभालने की कैपेसिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी किसी स्कूल में एक टीचर 30 स्टूडेंट्स को संभालता है, वहीं किसी किसी स्कूल में एक टीचर की कैपेसिटी 60 स्टूडेंट को संभालने की भी होती है। तो इस तरीके से एक मैनेजर, अगर मैं इसको एक थोड़ा सा कॉरपोरेट वर्ल्ड में जाके देखूँ, तो एक मैनेजर अपने अंडर में कितने सबॉर्डिनेट्स को इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है। देखो यहाँ पे मैं इफेक्टिवली पर स्ट्रेस डाल रही हूँ, वाई? बिकॉज मैनेज करने को तो हम 100 लोगों को भी मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो नहीं गिरना चाहिए। तो एक मैनेजर एक समय में कितने सबॉर्डिनेट्स को इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है, हम उसको कहते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल फाइंड आउट अगर मुझे करना है कि एक मैनेजर के अंडर में कितने लोग सही हैं, तो वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? पहला फैक्टर है नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क, काम किस तरीके का है आपका। अगर आपका काम है जैसे कुछ रिसर्च करना है आपको, ठीक है, रिसर्च करना, मेडिसिनल रिसर्च है अगर आपकी, तो आपको बहुत ही ध्यान से ही काम करना पड़ेगा, जिसमें आपको बिल्कुल भी किसी भी तरीके का प्रॉब्लम, किसी भी तरीके का आपको वो नहीं चाहिए अट्रैक्शन, या तो फिर किसी भी तरीके का कोई इंटरफेरेंस या चीज़ें नहीं चाहिए, तो वहाँ पर टीम्स छोटी छोटी सी होंगी। वहीं अगर मैं किसी बात को वर्क फ्रॉम होम है, ऑफिस है, तो वहाँ पर एक मैनेजर ऑनलाइन मोड पर काफ़ी सारे लोगों को आराम से मतलब संभाल सकता है, तो वहां पर आपका जो आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल वो थोड़ा सा लार्जर होगा। तो ऐसे डिपेंड करता है कि आपका काम किस नेचर का है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका एक मैनेजर के अंडर में कितने लोग इफेक्टिवली मैनेज हो सकते हैं। अगर वर्कर्स हैं तो वर्कर्स को हम लोग को बहुत ज्यादा गाइडेंस देना पड़ता है, बहुत सारा ध्यान रखना पड़ता है, तो वहां पर हम लोग कम वर्कर्स रखेंगे एक लीडर के अंडर में। लेकिन अगर एम्प्लॉयज जो कि एजुकेटेड है, जिनको हमें ज्यादा काम नहीं बताना, सारे अपने अपने प्रोफेशनल्स हैं, तो उनके ऊपर एक मतलब एक हेड काफी सारे लोगों को एक साथ मैनेज कर सकता है। डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ वर्क कि आप कितने लोगों को एक साथ मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर आप उस काम में हो जिसमें टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन ज़्यादा नहीं होता, तो आपको बहुत सारे एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे और उनके अंडर में आपको मतलब सुपीरियर्स चाहिए ही होंगे, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ वो लोग मैनेज करेंगे। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी है तो कम एम्प्लॉयज़ में भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आधा काम तो टेक्नोलॉजी कर लेगा वहाँ पर। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल छोटा होगा कि बड़ा होगा डिपेंड करता है आपकी टेक्नोलॉजी कितनी एफिशिएंट है। नेक्स्ट, कैपेसिटी ऑफ सबॉर्डिनेट्स, आपके सबॉर्डिनेट्स की क्वालिटी क्या है, क्या आपके सबॉर्डिनेट्स को मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है, या वो काम अपना खुद ही अच्छे से कर लेते हैं। कि मतलब अगर देखो, अगर सबॉर्डिनेट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी, सबॉर्डिनेट्स आपके बहुत अच्छे वेल क्वालिफाइड है, तो ज़्यादा लोग भी एक टीम लीडर के अंडर में काम अच्छे से कर लेंगे, उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपके सबॉर्डिनेट्स इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, उनको बार बार गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, अगर सारे न्यू जॉइनीज हैं, तो आपको उसमें छोटे छोटे ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एक मैनेजर बहुत सारे इनएफिशिएंट लोगों को एक साथ नहीं संभाल पाएगा। तो ये कुछ हमारे डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन, डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि पावर्स आपके कितने डिवाइडेड हैं। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल भी डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, तो हम लोग को टीम लीडर्स कम होते हैं और काम करने वाले लोग ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन है, पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वहां पर हमारे सबॉर्डिनेट्स भी ज्यादा हो सकता है। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल डिपेंड करता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन कैसा है। डिसेंट्रलाइजेशन को हम लोग और अच्छे से समझेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, जिसका नाम ही डिसेंट्रलाइजेशन है। तो हम यहाँ पर फिर से समझेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। यहाँ पे दो वर्ड्स लिखे हैं, डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पावर्स डिवाइडेड होती है अमंग वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, जैसे टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तीन लेवल्स होते हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के। तो जो पावर्स हैं वो सारी की सारी सिर्फ टॉप लेवल के पास ना होकर वो पावर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जब सब लोगों में, उसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। वहीं डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, डेलीगेशन एक नैरो टर्म है जो कि पार्ट है डिसेंट्रलाइजेशन का। सुपीरियर सबॉर्डिनेट, मतलब अगर मैं दो अलग अलग जॉब पोजिशंस की बात करती हूँ, अगर सुपीरियर के पास 10 काम है, 10 में से उसने 7 काम नीचे अपने सबॉर्डिनेट को दे दिए, दिस इज कॉल्ड डेलीगेशन। लेकिन अगर मैं पूरे सारे ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल लेवल्स की बात करती हूँ, तो वो टर्म मेरा क्या बन जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन। तो दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दोनों सिमिलर लगते हैं, लेकिन डिफरेंस दोनों में क्या है। व्हेन आई टॉक अबाउट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज डिसेंट्रलाइजेशन। व्हेन आई टॉक अबाउट एनी टू जॉब पोजिशंस और एनी टू लेवल्स, देन इट इज डेलीगेशन। अब इम्पॉर्टेंस क्या है इन दोनों के, ही इम्पॉर्टेंस दोनों के सेम ही होंगे, बिकॉज दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो फिर इनके इम्पॉर्टेंस क्या होंगे, सबसे पहला लेस बर्डन ऑन टॉप लेवल मैनेजमेंट,
दोनों ही चीज़ों में हम लोग काम जो है डिवाइड कर रहे हैं अमंग लोअर लेवल्स। तो यहाँ पर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उनका बर्डन कम हो जाएगा, और बर्डन कम होगा तो ये नहीं कि वो लोग फ्री की सैलरी लेंगे, नहीं, वो जो मेन कोर एक्टिविटीज़ है बिजनेस की वहाँ पर ज़्यादा फोकस अपना कर सकते हैं रैदर देन वेस्टिंग देयर टाइम ऑन स्मॉल थिंग्स। नेक्स्ट, जस्टिफिकेशन ऑफ द जॉब। सब लोगों को काम पर अपने मतलब सब लोगों को जॉब पर रखा है, सैलरी मिल रही है, तो उनको अपने काम को जस्टिफाई भी करना पड़ेगा, तो इसलिए भी डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन इंपॉर्टेंट है। अगर सारे काम टॉप लेवल मैनेजमेंट ही कर लेगा तो नीचे वालों को सैलरी हम किस बात की दें। तो अपने जॉब से अपनी सैलरी को जस्टिफाई करने के लिए भी आपको डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी है किसी हर ऑर्गेनाइजेशन में। रिस्क डिवाइड हो जाती है, अगर मैं अकेले इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस लूंगी तो रिस्क ज़्यादा होती है, क्योंकि चांसेस होते हैं कि एक ह्यूमन बींग मिस्टेक कर सकता है, लेकिन वहीं अगर एक डिसीजन लेने में अगर 10 लोग इन्वॉल्व होंगे तो कोई ना कोई अलग साइड अलग एंगल से हर चीज़ को हम लोग देखते हैं, तो हम लोग की जो रिस्क होती है, जो गलत डिसीजन ना हो जाए उसकी रिस्क जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है अगर काम डिवाइडेड होता है काफ़ी सारे लोगों में। तो ऐसे ही आप और भी इंपॉर्टेंसेस में लिख सकते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट को थोड़ा रिलीफ मिलता है, दे कैन फोकस ऑन कोर एक्टिविटीज़, एक ये भी आप इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंस आप लिख सकते हैं कि इंप्लॉइज मोटिवेटेड होते हैं कि हाँ उनको भी पावर्स मिल रहे हैं, तो इंप्लॉइज का जो है मोटिवेशन लेवल यहाँ पे बढ़ जाता है अगर ये वाला आप सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो। फिर दूसरा कि वहाँ पर इंप्लॉइज का जो वो है प्रमोशंस वगैरह हैं वो बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, क्योंकि इंप्लॉयज़ सीख जल्दी जाते हैं। अगर आप इंप्लॉयज़ से सिर्फ काम करवाएंगे, डिसीजंस नहीं उनको लेने देंगे, तो वो बहुत स्लो उनकी ग्रोथ होगी, तो ग्रोथ होगी सिस्टमैटिकली, ऑर्गेनाइजेशन चलेगा, स्मूथ फंक्शनिंग होगी ऑर्गेनाइजेशन में। इसके आप और भी इंपॉर्टेंस यहाँ पे लिख सकते हैं। तो दीज वर द टू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आई होप द टॉपिक्स आर क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।